नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न 5 हम करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में हमें कहा गया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी, बीसी और सीए के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई और एफ हैं। देखिए, एबी का मध्य बिंदु है डी, बीसी का मध्य बिंदु है ई और एसी का मध्य बिंदु है एफ। त्रिभुज डी ई एफ, ये छोटे वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। डी ई एफ छोटे वाला, ए बी सी बड़े वाला, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए देखते हैं। देखिए, डी ई और एफ ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। तो बच्चों हमने एक मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी थी, तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार मैं अभी आपको बता देता हूं मध्य बिंदु प्रमेय क्या है। मध्य बिंदु प्रमेय थी कि यदि एक त्रिभुज है, इसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इनको जोड़ने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है और तीसरी रेखा के आधे के बराबर होती है, यानी DF जो होगा वह BC, पूरी BC का आधा होगा और ये समांतर भी होंगे। चलो समांतर की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन DF बराबर होगा हाफ ऑफ BC, ये हमें याद रखना है। ये मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार आया है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों इस तरफ से देखें, यदि मैं इस त्रिभुज को घुमा दूं आपके लिए, तो अब ये त्रिभुज बन गया सी ए बी, ए बी सी वही त्रिभुज है, ये और ये मध्य बिंदु है, इनको जोड़ने वाली रेखा तीसरी के समांतर भी होगी और इससे आधी भी होगी, यानी ई एफ जो होगा वह ए बी का आधा होगा। ई एफ आधा होगा ए बी का, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। और इसी प्रकार से डी ई आधा होगा ए सी का, डी ई आधा होगा ए सी का, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये है डी एफ, बी सी इसके साथ गुना हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो डी एफ बटा बी सी किसके बराबर आ गया, 1/2। इसी प्रकार ई एफ ए बी इसके साथ गुना हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, यानी ई एफ बटा ए बी, ई एफ बटा ए बी भी हो जाएगा 1/2। और डी ई ए सी 1 के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1/2, यानी डी एफ बटा बी सी, ए एफ बटा ए बी और डी ई बटा ए सी, ये तीनों ही बराबर होंगे 1/2 के। अब हमने ये देखा डी एफ ई एफ और डी ई, डी एफ ई एफ डी ई, ये त्रिभुज डी ई एफ की भुजाएं हैं, बी सी ए बी और ए सी, बी सी ए बी ए सी, ये ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये सभी समानुपात में हैं, ये तीनों ही समानुपात में हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि यदि संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो एस 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 समरूपता कसौटी के अनुसार, तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, तो एस 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 समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। और हमें पता है यदि दो त्रिभुज समरूप हो
तो उनके क्षेत्रफल एरिया, उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो यानी कि यह बराबर होगा DE बटा AC के वर्ग के बराबर। कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, DE बटा AC या EF बटा ABI। और ये DE बटा AC किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। तो इसका वर्ग, और वर्ग कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग हो जाएगा 1, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? त्रिभुज DEF का अनुपात एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज DEF के एरिया का अनुपात त्रिभुज ABC के एरिया के अनुपात के साथ, वह अनुपात क्या आएगा? 1/4। यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। देखिए, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आया है 1/4। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। और इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के हल देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।